यस सर, सॉरी मैम, यस जी सर, हाँ ओके। तो वेट थैंक यू फॉर वेट अ मिनट सर। शेफाली मैडम प्लीज बिगिन। यस, गुड आफ्टरनून टू ऑल। एज वी बिलीव नथिंग कैन स्टॉप अस टू लर्न एंड दैट्स व्हाई वी ऑल आर गेदर हियर ऑन वर्चुअल मीडिया। हियर बाय आई वेलकम यू ऑल प्रिंसिपल एचओडी एंड द पार्टिसिपेंट्स एंड ऑल दैट इज इन द टुडेस सेशन अबाउट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। सो विदाउट डिलेइंग आई वुड लाइक टू वेलकम अवर टुडेस स्पीकर Mr. Dappan Salunke, on behalf of Parul Technic Institute at Parul University. Sir, welcome. Thank you, sir. Okay, sir. I would like to give a quick introduction to all. He is working as a data science analyst with Brady Beam Technologies and having experience of more than 2 years. It's an honor to have you with us today. So without any delay, we start our today's session. Over to you, sir. First of all, thank you, madam. Thank you, Shefali ma'am. Thank you, Vijay sir. Thank you, Jigisha madam, for arranging this blockchain technology session. Okay, I am from Brady Beam Technologies, and I am working as a data science, data analytics in there for last 2 years of experience. Okay, so let's start in blockchain technologies. So आप सबको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत कुछ पता होगा, लाइक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज होगी, इस तरह यूज होगी, लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी मेनली किस तरह उसको इंप्लीमेंट कर सकते हो, जैसे लाइव कॉन्सेप्ट में आप किस तरह उसे यूज कर सकते हो, तो उसका जैसे ब्रीफिंग होगा तो वो सब हम देखेंगे इस सेशन में। इस सेशन में हम देखेंगे कि किस तरह लाइक उसकी ब्रीफ हिस्ट्री, किस तरह ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट अपने जब लाइव यहाँ पे आया। ओके, देन व्हाट इज ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन का मीनिंग क्या होगा, कि किस तरह वो वर्क करता है यहाँ पे। ओके, देन उसके अंदर कौन सा एल्गोरिदम, किस तरह उसे इंप्लीमेंट किया जाता है, किस तरह उसे यूनिक बनाया जाता है। ओके, हैश का मीनिंग क्या होगा, किस तरह उसे अप्लाई किया जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे एक लेजर, यानी कि इम्यूटेबल लेजर किस तरह वर्क करता है, एक लेजर क्या होता है। ओके, देन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जो भी मेनली ब्लॉकचेन के अंदर यूज होता है, इंप्लीमेंट किया जाता है। देन डिस्ट्रीब्यूटेड पी टू पी नेटवर्क क्या होता है, जो भी पीयर टू पीयर नेटवर्क, किस तरह उसे इंप्लीमेंट किया जाता है ब्लॉकचेन के अंदर। ओके, देन उसके बाद जो भी ब्लॉकचेन के अंदर आप देख सकते हो कि क्रिप्टो करेंसी आप यूज करते हो, लाइक बिटकॉइन है, इथेरियम है, ओके, वेव से, वो सारी की सारी हम यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह वो यहाँ पे इंप्लीमेंट हुई, किस तरह आप खुद की भी ब्लॉकचेन बना सकते हो या फिर खुद की भी करेंसी यहाँ पे डेवलप कर सकते हो। ओके, देन उसके बाद जो भी नेटवर्क है, सेंट्रलाइज नेटवर्क, डिसेंट्रलाइज नेटवर्क एंड डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क, उसके बारे में देखेंगे कि ब्लॉकचेन इन नेटवर्क का किस तरह इम्प्लीमेंटेशन करता है अपने अंदर। ओके, एंड देन पब्लिक एंड प्राइवेट ब्लॉकचेन नेटवर्क भी होते हैं, किस तरह उन्हें इम्प्लीमेंट किया जाता है लाइव सिनेरियो में। ओके, देन बेनिफिट्स ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, कौन से बेनिफिट्स आप यहाँ पे इंप्लीमेंट करके देख सकते हैं, यहाँ पे हो सकते हैं हमें। फिर ब्लॉकचेन ट्रांसफर एरियाज, लाइक आप ब्लॉकचेन को कौन से सेक्टर्स में यूज कर सकते हो, ना कि सिर्फ ट्रांजेक्शन के लिए, बल्कि आप बहुत सारे सेक्टर्स में ब्लॉकचेन को यूज कर सकते हो, इंप्लीमेंट कर सकते हो। उसके बाद उसके फ्रेमवर्क, आप अगर ब्लॉकचेन डेवलप करना चाहो तो आप कौन से फ्रेमवर्क को यूज करके आप ब्लॉकचेन यूज कर सकते हो। ओके, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ब्रीफ हिस्ट्री से। 1991 स्टुअर्ट हेबर और स्कॉट टॉनेटो ने
ब्लॉकचेन को एक सिंपल एक उसका व्हाइट पेपर पहले डिजाइन किया था उन्होंने कि ब्लॉकचेन किस तरह हो सकता है, यानी कि उनको सबसे पहले वो आइडिया आया था और 1992 में उन्होंने स्टार्ट किया था इम्प्लीमेंटेशन की वो इम्प्रूव कर सके अपने ब्लॉकचेन के इस आइडिया को, किस तरह वो इम्प्लीमेंट करेंगे। और जिस तरह हमने क्या सिंपल एक थॉट आया था कि जो भी हम डॉक्यूमेंटेशन जो भी हम डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं इन्हें हमें एक डिजिटल सिग्नेचर बनाना है, लाइक वो डॉक्यूमेंट जब बनेंगे तो उन्हें एक टाइम स्टैम्प मिलेगा, लाइक आज की डेट है 17, तो आज के दिन में जो भी जिस सेकंड पे जिस टाइम पे एक डॉक्यूमेंट क्रिएट होगा, डिजिटल डॉक्यूमेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट डिजिटल डॉक्यूमेंट, तो डिजिटल डॉक्यूमेंट जो भी बनेगा उसको एक ब्लॉक के अंदर स्टोर करना है विद इट्स टाइम स्टैम्प, यानी कि जिस टाइम पे जिस मिली सेकेंड पे वो बना होगा उस टाइम स्टैम्प पे उसको सेट किया जाए। तो इसका मीनिंग क्या होता है, लाइक आप कोई भी एक प्रोसेस देखते हो, कोई भी आप डॉक्यूमेंटेशन या फिर कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको एक मीडिएटर की जरूरत पड़ती है, लाइक आप ट्रांजेक्शन करते हो एक पर्सन के अकाउंट में से दूसरे पर्सन के अकाउंट में, आप मनी ट्रांसफर करते हो तो आपको एक मीडिएटर मिलता है बैंक, ओके। देन आप ये प्रॉपर्टी खरीदते हो तो उसके लिए मीडिएटर होता है गवर्नमेंट, की गवर्नमेंट एक डॉक्यूमेंट तैयार करता है, गवर्नमेंट के अकाउंट यानी कि बुक्स में आपकी एंट्री होती है, एक लीगल डॉक्यूमेंट बनता है और उस डॉक्यूमेंट के लिए आपको मीडिएटर लगेगा गवर्नमेंट, ओके। तो उन सबको लाइक इसके साथ आपको फ्रॉड भी हो सकता है, अगर थर्ड मीडिएटर आप यूज करते हो बैंक ट्रांजेक्शन में, आप कोई भी वैल्यूज ट्रांजेक्ट करते हो तो मे बी कोई भी हैकर या कुछ भी आके आपके एक अकाउंट को हैक कर सकता है। बहुत सारी अभी नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है जिससे आपको प्रोटेक्शन दे सकते हैं, अपने ट्रांजेक्शन को प्रोटेक्शन दे सकते हैं, लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी किस तरह बेस्ट होगी वो इस सेशन में हम देखेंगे किस तरह उसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। देन 2008 में सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन व्हाइट पेपर पे रिलीज किया था, लाइक 1992 से जो भी ब्लॉकचेन का इम्प्लीमेंटेशन उन लोगों ने स्टार्ट किया था, तो उसके बाद सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन को व्हाइट पेपर पे पहले रिलीज किया और उसके बाद आज आप देख सकते हो कि बिटकॉइन आज 2020 में आप देख सकते हो कि बिटकॉइन कहाँ पे है। इसके अलावा बिटकॉइन के अलावा बहुत सारे कॉइन्स आ चुके हैं मार्केट में, इथेरियम है, लीगल है, मिनो है, रिपल है, बहुत सारे यहाँ पे कॉइन्स आ चुके हैं। तो इनका मीनिंग क्या है, बिटकॉइन क्या है, डिजिटल करेंसी आप बोल सकते हो, लाइक जो भी आप इंप्लीमेंट करना चाहो, लाइक एक वन टाइप ऑफ करेंसी, आप अपना वॉलेट देखोगे तो उसमें एक फिजिकल करेंसी आपको मिलेगी, लाइक 100 रुपी नोट, 2000 रुपी नोट, लेकिन जो भी बिटकॉइन होगा एक बिटकॉइन की प्राइस अभी 7 से 8 लाख रुपए चल रही होगी मिनिमम, ओके। क्योंकि तब उसने इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि तब उसने जो भी बिटकॉइन वो डिजिटल करेंसी जब लॉन्च हुई तब बहुत सारे लोगों ने उसे ट्रस्ट दिखाया, बहुत सारे लोगों ने नहीं दिखाया, तो आज जाके बिटकॉइन सबसे टॉप लेवल पे, ओके। तो बिटकॉइन जो भी आप ब्लॉकचेन बोलते हो तो एक टेक्नोलॉजी है, वो एक आप बोल सकते हो कि एक सोच थी कि जो जिसे इम्प्लीमेंट किया गया, अपने बहुत सारे लेजर्स देखेंगे लाइक बहुत सारे ट्रांजेक्शन एक वे होता है उनका, ओके, बहुत सारे चेंज होते हैं, तो इसी तरह ब्लॉकचेन भी कंटिन्यू होता है। फॉर एग्जांपल हम ब्लॉकचेन में स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज ब्लॉकचेन, ओके। तो ब्लॉकचेन इज अ कंटिन्यूअसली ग्रोइंग लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड, ओके, ऑल ब्लॉक विच आर लिंक्ड एंड सिक्योर क्रिप्टोग्राफी, ओके। तो आपको इसीलिए मैं बताता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, क्योंकि यहाँ पे एक बॉक्स बना हुआ है, ओके, इस बॉक्स के अंदर मैं एक डिजिटल डॉक्यूमेंट रख सकता हूँ, कोई भी फॉर एग्जाम्पल एक बॉक्स है अपने पास और उस बॉक्स के अंदर जितनी भी स्पेस होगी उसके अंदर आप कोई भी सामान रख सकते हो, कोई भी चीज रख सकते हो, तो उसी की तरह यहाँ पे आपके पास एक वर्चुअल बॉक्स है, आपके पास एक बॉक्स बना हुआ है और उसी में आप आपके डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट रख सकते हो, ओके, आप कोई भी वीडियोस, लिंक्स, मूवीज, जो भी आप रखना चाहो आप रख सकते हो उसमें। तो उस डेटा को अगर आपको फेच करना है तो आप किस तरह इम्प्लीमेंट करोगे, आप अगर डेटा रखते हो इसके अंदर, फॉर एग्जांपल मैंने डेटा रखा हुआ है हेलो वर्ल्ड नाम का, ओके, एक सिंपल मैंने डिजिटल लिंक रखी हुई है उसमें, देन उसको रिप्रेजेंट करेगा उसका हैश, यानी कि उसकी एक आइडेंटिटी होगी जो क्रिप्टोग्राफिकली यहाँ पे जनरेट हुई होगी, ओके। और उसके अंदर आप बोलोगे कि ये तो सिर्फ ब्लॉक हो गया, एक चेनिंग भी होनी चाहिए,
तो यहाँ पे ब्लॉकचेन फॉलो करेगा एक डेटा स्ट्रक्चर जो कि लिंक लिस्ट, यानी कि एक सेल बनेगा उसके अंदर प्रीवियस और जो भी प्रीवियस हैश होगा, जो भी प्रीवियस ब्लॉक की आईडी होगी वो स्टोर होगी लाइक दिस, यानी कि प्रीवियस हैश जो भी यहाँ पे स्टोर होगा। ओके, तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे वो लिंकिंग किस तरह करेगा, यानी कि एक दूसरे के साथ चेन किस तरह हो सकेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक एग्जाम्पल बनाता हूँ, लाइक फोर बॉक्सेस है हमारे पास। ओके, यहाँ पे चार ब्लॉक है और इनमें अलग अलग डेटा मैंने स्टोर किया हुआ है। ओके, और इसमें आप देखोगे तो यहाँ पे प्रीवियस हैश लिखा हुआ है और यहाँ पे उसका खुद का ब्लॉक का खुद का हैश है, यानी कि ब्लॉक की खुद की आइडेंटिटी है यहाँ पे। ओके, हैश के बारे में भी हम एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे आप दूसरा ब्लॉक देखोगे तो उसका प्रीवियस हैश और ब्लॉक नंबर वन का हैश आप देख सकते हैं, यानी कि जो भी यहाँ पे हैश होगा वो ब्लॉक का प्रीवियस हैश बन जाएगा। ओके, इसकी वजह से आप देख सकते हो फॉलो चारों के चारों ब्लॉक एक दूसरे के साथ लिंक हो जाते हैं लाइक दिस, यानी कि चेन बन जाती है इसके अंदर। ओके, तो ये सिंपल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर आपको एक ब्लॉक प्रोवाइड किया जाता है और उस ब्लॉक के अंदर आप जो भी ट्रांजेक्शन करते हो या फिर कोई भी डिटेल्स एंट्री करना चाहो आप तो कर सकते हो, तो वो डायरेक्टली ब्लॉकचेन के अंदर वर्क करते हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कौन सी कंपनी प्रोवाइड करती है या फिर कोई कम्युनिटी होगी इसकी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जो जो नाटा मोटो थे जो भी उन्होंने ये ब्लॉकचेन लाइव करके यानी कि इसको डिलीवर करके पब्लिक में छोड़ दिया था, लाइक इसके जो भी डिस्ट्रीब्यूशन थे वो दे दिए थे। लेकिन फिर भी बहुत सारे रूमर्स आते कि बहुत सारे लोग यानी कि 3 से 4 कंपनी है वो इसको हैंडल करती है, इसकी एप्लीकेशन को लाइव रखते हैं। ओके, इस टेक्नोलॉजी को उन लोगों ने आगे बढ़ाया, एक कम्युनिटी इनकी पीछे लगी है। जो 4 कंपनी है टोशीबा है सैमसंग है वो सब इन सब इन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ा रही है, उन्हें ट्रेंड में लेके आ रही है, पब्लिक के सामने उसे रख रही है और जो भी बिटकॉइन है उसके अंदर उसे इंप्लीमेंट कर रही है। लाइक यहाँ पे हम देखेंगे जो भी हैश है, जो भी हैश बना हुआ है जिसे सिक्योर हैश एल्गोरिदम SHA कहा जाता है, SHA-256 हैश एल्गोरिदम, इसे फैमिली ऑफ क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन डेवलप बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी NIST अलोंग विथ नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी NSE के साथ मिलकर SHA को बनाया गया है, यानी कि SHA सिक्योर हैश एल्गोरिदम बनाया गया। अब ये क्यों बनाया गया है और यहाँ पे जो भी 256 लिखा हुआ है वो एक बिट मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा, जहाँ पे भी आप ब्लॉक बनाओगे एक उसके अंदर एक हैश बनेगा और उस हैश को यहाँ पे बनाया गया, एक आइडेंटिटी बनाई गई है। लाइक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, आप देख सकते हो कि सबके पास एक ना एक चीज यूनिक होती है कि वो है अपने फिंगरप्रिंट, क्योंकि लोग अपना कोई भी चीज एक आप देख सकते हो कि एक जैसे दिखने वाले 7 लोग हो सकते हैं, बहुत सारे लोग हो सकते हैं, लेकिन उन सबके पास एक आइडेंटिटी यूनिक होती है जो कि होती है उनकी फिंगरप्रिंट। ओके, आप यहाँ पे फिंगरप्रिंट का कॉन्सेप्ट में इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो यूनिक होती है, करोड़ों लोगों में किसी की ही सेम होगी एक दूसरे के साथ क्योंकि वो यूनिकनेस आप देख सकते हैं यहाँ पे। क्योंकि आप भी देखोगे कि आप कहीं पे भी जाते हो तो आपका फिंगरप्रिंट ज्यादा वर्क करेगा, एक्यूरेट होगा कि आइडेंटिफाई करने के लिए कि भाई यही पर्सन है, दिस इज द पर्सन। ओके, उसका और एक एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे एक पर्सन है ओके, और उसकी आइडेंटिटी है उसका फिंगरप्रिंट। उसी तरह ब्लॉकचेन के अंदर अगर आपको कोई डिजिटल डॉक्यूमेंट रखना है तो उससे भी एक डिजिटल आईडी देना होगा लाइक दिस, या अगर कोई आप डिजिटल डॉक्यूमेंट या फिर कोई डिजिटल चीज रखते हो ओके, तो उससे भी एक आईडी मिलता है जो कौन प्रोवाइड करता है, हैश SHA-256 हैश इसे कहा जाता है, जिसके अंदर अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज होती है जो 64 कैरेक्टर्स की होती है। सिंपली हैश कहा जा सकता है, यानी एक डॉक्यूमेंट की फिंगरप्रिंट बोल सकते हो आप इसे। ओके, जो भी हैश आप देख सकते हैं यहाँ पे उसके डॉक्यूमेंट की फिंगरप्रिंट बोल सकते हो आप, जो 64 कैरेक्टर्स होगा और उसके अंदर अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर्ड होंगे। ओके, लाइक इससे भी आगे बढ़ते किस तरह ब्लॉक के अंदर उसे ऐड कर सकेंगे, तो यहाँ पे मैं एक
एग्जांपल बता दो आपको, रियल टाइम एग्जांपल होगा यहाँ पे कि रियल में किस तरह आप इसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक साइट है tools.superdatascience.com/blockchain/hash। ओके, तो यहाँ पे मैं हैश डिजाइन करूँगा, यहाँ पे बनाऊंगा। ओके, जिससे आपको पता चलेगा कि किस तरह यूनिक वैल्यूज आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ओके, तो इससे पहले आपको क्लियर दिखे इसलिए थोड़ा चेंजेस कर लेता हूँ मैं। ओके, तो मे बी दिस वेबसाइट इज विजिबल फॉर एवरीवन नाउ। ओके, तो आप यहाँ पे देखोगे एक साइट है tools.superdatascience.com। ओके, और उसी में नहीं, यहाँ पे एक हैश देख सकते हो आप, सिंपल एक हैश बना हुआ है जो 64 कैरेक्टर्स का है, 256 बिट का है। ओके, और यहाँ पे जो भी ब्लैंक स्पेस है यहाँ पे, इसका हैश है E3D03। ओके, और यहाँ पे मैं जब लिखता हूँ 1, तो आप देखोगे तो यहाँ पे जो भी हैश था वो ऑटोमेटिकली चेंज हो चुका है। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो क्लियरली कि इसका हैश यहाँ पे चेंज हो चुका है। लाइक यहाँ पे मैं फिर से 1 को मिटा के 2 लिख देता हूँ, तो यहाँ पे दूसरा हैश आ चुका है। क्योंकि जो भी आप वैल्यूज इंसर्ट करोगे, जो भी डिजिटल वैल्यूज आप इंसर्ट करोगे, आप यहाँ पे एक पूरा पैराग्राफ लिख दोगे, एक पूरी वैल्यू सेट कर दोगे डिजिटली, तो इसका खुद का हैश अलग होगा। क्योंकि एवरीवन हैज अ डिफरेंट फिंगरप्रिंट। ओके, सबकी अलग अलग फिंगरप्रिंट होती है, उसी तरह एक डिजिटल वैल्यू की हैश अलग होगी। लाइक यहाँ पे मैंने 2 लिखा, 23, तो इसका हैश अलग है। यानी कि यहाँ पे 2356 मैंने लिखा तो उसका हैश अलग आ गया। उसके बाद 7, तो उसका हैश अलग। ओके, देन यहाँ पे मैं जो भी वैल्यूज लिखता जाऊँगा सब कंटिन्यूसली उसका हैश अलग अलग बनता जाएगा। ओके, और यहाँ से सारी चीज़ों को मैं कट करता हूँ अभी, और आप देखोगे कि जो भी स्पेस का हैश था यहाँ पे, तो जो भी आप देख सकते हो यहाँ पे स्पेस का हैश था वो यहाँ पे आ चुका है। क्योंकि जो भी ब्लैंक स्पेस होती है उसका भी एक हैश होता है। और यहाँ पे फिर से जो मैंने वैल्यू लिखी थी पहले, उसको मैं फिर से लिख देता हूँ, तो जो उसका हैश था वो यहाँ पे आप रिवील करते हुए देख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हैश किस तरह डिजिटली एलोकेटेड है सबके लिए, किस कोई भी वैल्यू के लिए कौन सा हैश एलोकेटेड है, और उस वैल्यू को आप रिमूव करके फिर से लिखोगे तब भी आपको वही हैश वहां पे मिलेगा। ओके, वो रिमूव नहीं हो जाता। देन आगे बढ़ते हैं। हैश के बाद यहाँ पे हम यूज करेंगे ब्लॉक को। यहाँ पे एक ब्लॉक बन रहा है। ओके, तो यहाँ पे ब्लॉक का नंबर लिखा हुआ है कि पहला नंबर का ब्लॉक है, और यहाँ पे नॉन्च लिखा हुआ है। ओके, और यहाँ पे जो भी मुझे डेटा पुट करना है, यहाँ पे रखना है, वो आएगा। तो आप सोचोगे कि यहाँ पे नॉन्च क्या है, नॉन्च हैश फाइंड किया हुआ, यानी कि आपको कोई यूनिक हैश चाहिए होगा। लाइक स्टार्टिंग में 40 है यहाँ पे, अगर आपको स्टार्टिंग में यहाँ पे 60 चाहिए, तो उसे फाइंड करने में, उसे माइन करने में कितने कितना टाइम लगेगा, कितना कितनी बार उसने ट्राई किया होगा, तो उसका काउंट है ये नॉन्स। ओके, आप यहाँ पे नॉन्स को उसी तरह ले सकते हो जिस तरह लाइक इस हैश को फाइंड करने में कितना टाइम लगा, उस टाइम को आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो, यहाँ पे उसको ऐसे टाइम कंसीडर कर सकते हो, यहाँ पे समझ सकते हो। ओके, नाउ अब मैं यहाँ पे एक डेटा ऐड करता हूँ, लाइक हेलो वर्ल्ड। ओके, मैंने यहाँ पे लिखा है सिंपल हेलो वर्ल्ड, और आप देखोगे कि यहाँ पे हैश की वैल्यू चेंज हो गई। यहाँ पे हैश की वैल्यू क्यों चेंज हो गई, क्योंकि सबसे पहले जो 00 लिखा हुआ था 4 times, वो इस ब्लॉक का हैश था, और उस ब्लॉक के अंदर, यानी कि डिजिटल ब्लॉक के अंदर मैंने कंटेंट लिखा हेलो वर्ल्ड, तो उस कंटेंट के मिक्सअप होने पे उसका जो भी हैश था वो चेंज हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे कि आईडी यानी कि जो भी डेटा है वो चेंज हो रहा है, उसी के साथ उसका जो भी हैश होगा वो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे रिवील होगा, यहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो इस तरह एक ब्लॉक बनेगा। और जब मैं इसको माइन कर देता हूँ, ओके, तो यहाँ पे माइन करने के बाद कम्प्लीटली एक मुझे हैश मिल जाएगा जिसके अंदर, यानी कि इस हैश को मैं अगर कहीं पे डिस्प्ले करने के लिए रखता हूँ तो मुझे ये डेटा मिलेगा, ब्लॉक नंबर 1, दिस इज द नॉन्स, और यहाँ पे जो भी उसका डेटा होगा वो डेटा मुझे रिवील करेगा जब मैं उसको माइन कर देता हूँ। तब
यानी कि ब्लॉकचेन पे, यानी कि ये जो ब्लॉक बना है तो पूरा का पूरा बिलोंग्स टू दिस हैश। ओके, ये यूनिक की होगी, आप बोल सकते हैं यूनिक क्रिप्टोग्राफिक की बोल सकते हो उसको, क्योंकि मैंने पहले आपको बताया ये ब्लॉकचेन क्रिप्टोग्राफिकली एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होते हैं। तो यहाँ पे जो भी हैश है वो क्रिप्टोग्राफिकली बना हुआ है, हैश ज्वाइंट हुआ है। इसी की तरह यहाँ पे आप देखोगे ब्लॉक चेन, जो भी एक ब्लॉक था उसके साथ चेनिंग होगा यहाँ पे ब्लॉक्स का। ओके, यहाँ पे एक ब्लॉक बना है, दूसरा ब्लॉक, यहाँ पे तीसरा ब्लॉक आप देख सकते हो, फोर ब्लॉक, फाइव ब्लॉक। ओके, ये सिर्फ टेम्पररी बेस पे एक आपको ब्लॉक चेन जैसा व्यू देने के लिए, यहाँ पे उसे इंप्लीमेंट करने के लिए यहाँ पे एक इंटरफेस दिया गया है आपको, एक प्रैक्टिस के लिए कि भाई ब्लॉकचेन किस तरह वर्क करता है, किस तरह उसे इंप्लीमेंट किया जाता है। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ब्लॉक नंबर वन है और ये ब्लॉक नंबर टू है। ओके, इसी ब्लॉक के अंदर आप प्रीवियस देख सकते हो, यहाँ पे 00 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो भी पहला ब्लॉक है उसे जेनेरिक ब्लॉक कहा जाएगा, क्योंकि इसका कोई प्रीवियस हैश नहीं होता और उसका खुद का कोई हैश नहीं होता। ओके, इसी वजह से उसका जो भी हैश होगा वो 00 होगा। लेकिन जो भी ब्लॉक वन बना हुआ है यहाँ पे उसका खुद का हैश है यहाँ पे। ओके, और उसका 40157 हम यहाँ पे याद रखते हैं। और जब हम दूसरा ब्लॉक देखेंगे तो उस ब्लॉक का प्रीवियस ब्लॉक का हैश आप यहाँ पे देख सकते हो, सेम होगा। ओके, नो चेंज, और उस ब्लॉक का खुद का हैश होगा। सिमिलरली सेकेंड ब्लॉक की एंट्री यहाँ पे थर्ड ब्लॉक में आप देख सकते हो, जो कि एक दूसरे को चेंज करती है, एक दूसरे को चेंज में मर्ज करती है। यहाँ पे जो भी हैश होगा सेकेंड ब्लॉक का वो यहाँ पे थर्ड ब्लॉक का प्रीवियस हैश बनेगा, और थर्ड ब्लॉक का हैश होगा वो फोर्थ ब्लॉक का प्रीवियस हैश बनेगा। सिमिलरली आप यहाँ पे चेनिंग देख सकते हो इसकी। ओके, यहाँ पे एक आपको एक साइट दी जाती है जो इसको रिप्रेजेंट करती है, यहाँ पे बनाया जाता है। देन नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप, ओके, इसी तरह जो भी ब्लॉक्स थे वो एक दूसरे के साथ यहाँ पे ज्वाइंट हुए थे। ओके, वन बाय वन एक दूसरे के साथ ज्वाइंट थे प्रीवियस हैश के थ्रू, लिंक लिस्ट की तरह आप बोल सकते हो, उसके लिंक लिस्ट की तरह एक डेटा स्ट्रक्चर अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें आप देख सकते हो कि एक लिंक लिस्ट की तरह ये ज्वाइंट हुआ होता है। एक ब्लॉक के अंदर दूसरे ब्लॉक का प्रीवियस ऐसे आईडी बोल सकते हो आप, जो कि फिंगरप्रिंट की तरह यहाँ पे वर्क करेगा। ओके, जस्ट लाइक दिस। ओके, देन आता है म्यूटेबल लेजर। तो इम्यूटेबल लेजर को समझने के लिए मैं आपको एक स्टोरी टेलिंग जैसा कुछ एक स्टोरी बताता हूँ। यहाँ पे एक पर्सन, ओके, यहाँ पे जो भी ब्लॉक्स होंगे उन्हें यहाँ पे अब इम्यूटेबल किस तरह बोल सकते हो, यानी कि उसको ज्वाइन किस तरह कर सकते हो। तो लाइक दिस, उन्हें ब्लॉक्स और क्रिप्टोग्राफिकली लिंक, जो भी मैंने आपको बोला कि लिंक क्रिप्टोग्राफिकली, यानी कि जो भी हैश होगा वो क्रिप्टोग्राफिकली जनरेट हो रहा है, और उस चेन को तोड़ना बहुत तो मुश्किल होता है, क्योंकि अगर आप किसी को हैक करना चाहो तो किस तरह हैक करोगे वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ कि उसको इम्प्लीमेंटेशन किस तरह किया जाता है। ओके, तो इम्यूटेबल लेजर्स में अगर आप एक पर्सन हो जिसे एक प्रॉपर्टी खरीदनी है, ओके, लाइक एक हाउस खरीदना है, तो डायरेक्टली आप एक हाउस नहीं खरीद सकते, आपको एक वे से गुजरना पड़ता है, लाइक आपको गवर्नमेंट के लीगल डॉक्यूमेंट्स के थ्रू जाना पड़ता है। लाइक आप गवर्नमेंट के पास जाते हो, लाइक आपको कोई भी घर खरीदना है, एक ओनर के साथ आप डील करते हो, जो लीगल डॉक्यूमेंट बनता है, और गवर्नमेंट उसकी डिटेल अपने डॉक्यूमेंट के अंदर ऐड करती है, लाइक अपने पास स्टोर करती है, और उस रिकॉर्ड के थ्रू आप उस घर के ओनर बन जाते हो। एक सिंपल प्रोसेस है अपना लीगल ट्रेडिंग आप बोल सकते हो, लीगल लेजर बोल सकते हो उसको, एक लेजर दिया जाता है, एक वे बोला जाता है उसको। लेकिन यहाँ पे हो सकता है करप्शन हो सकता है, या फिर आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है। लाइक बहुत से बार आपने देखा होगा कि एक ही प्रॉपर्टी के, एक ही घर के दो दो मालिक होते हैं, लाइक डॉक्यूमेंट आपके पास भी है, डॉक्यूमेंट दूसरे और के पास भी है, लेकिन वो दोनों बिलोंग करते हैं, ओनरशिप रखते हैं एक ही प्रॉपर्टी की। ओके, तो आपके साथ ये जो ट्रेडिशनल लेजर है, आप यहाँ पे उसको ट्रेडिशनल लेजर बोल सकते हो, कि इसी वे पे आपको आगे बढ़ना पड़ता है। ओके, तो उसके साथ आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है, क्योंकि डॉक्यूमेंट अगर गवर्नमेंट के पास अगर आपका डॉक्यूमेंट स्टोर्ड है, वहाँ पे जाके फ्रॉड
सकते हैं उसे लेके, या कुछ भी करके, आप कैसे भी करके कोई अलग सा पर्सन उस डॉक्यूमेंट को चेंज कर देता है, यानी लाइक ओनरशिप, अगर आपके ना ए पर्सन के पास ओनरशिप है तो बी पर्सन अपने आप फ्रॉड करके उस प्रॉपर्टी को अपने नाम पे कर लेगा। ये ट्रेडिशनल लेजर है, ओके, ये कंपलसरी नहीं कि हो सकता है लेकिन होता है। अभी आप फिलहाल देख सकते हो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो यहाँ पे हो रहे, ओके, तो उसे टेक ओवर करने यानी कि उसे ओवरटेक करने के लिए यहाँ पे आप यूज कर सकते हो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ओके, तो चेनिंग किस तरह होगी यहाँ पे, कि यहाँ पे जो भी आप लीगल डॉक्यूमेंट बना रहे हो उस लीगल डॉक्यूमेंट को आप ब्लॉकचेन के अंदर रख दो। ओके, ब्लॉकचेन का की और आईडी पासवर्ड आप सबके पास हो गए, जो भी ओनर है उसके पास होगा ही, और गवर्नमेंट के पास ये पूरी की पूरी चेन होगी। और हाँ, यहाँ पे जो भी चेन बनेगी ब्लॉकचेन की, यहाँ पे जो भी कॉन्सेप्ट है मैं इम्प्लीमेंट करने की बात कर रहा हूँ, जो भी आपका डॉक्यूमेंट, आप जो भी ओनरशिप रखते हो इस प्रॉपर्टी की, उसका एक डिजिटल डॉक्यूमेंट बनेगा और उस डॉक्यूमेंट को एक ब्लॉक के अंदर स्टोर कर देंगे। ओके, और वो ब्लॉक यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है ये ब्लॉक है, और इसी ब्लॉक के अंदर आपका डॉक्यूमेंट रखा हुआ है। ओके, अगर यहाँ पे किसी पर्सन को फ्रॉड करना है, अगर इस डॉक्यूमेंट को यानी कि इस प्रॉपर्टी को आपके पास से ले लेना है उसको, या फिर ओनरशिप डिस्प्ले करानी है, तो उस पर्सन को ये जो पहले के सारे ब्लॉक्स है, ओके, ये जो सारे के सारे ब्लॉक्स है उन सबको क्रैक करके इस ब्लॉक तक पहुंचना होगा। ओके, ये जो ओनरशिप आप यहाँ पे रखते हो इस घर की, ओके, आप इस घर की ओनरशिप रखते हो, लेकिन इस पर्सन को यानी कि बी पर्सन को ए पर्सन की प्रॉपर्टी चाहिए, और ए पर्सन ने उस डॉक्यूमेंट को, डिजिटल डॉक्यूमेंट को ब्लॉकचेन के अंदर रखा हुआ है, तो बी पर्सन को सबसे पहले तो फाइंड करना होगा कि कौन सी ब्लॉकचेन है, ओके, और इसके अंदर कितने ब्लॉक्स है, उस मैसेज इस ब्लॉक तक पहुंचने के लिए उसे कितने ब्लॉक्स को क्रैक करना होगा। लाइक एक ब्लॉक का अल्गोरिदम अलग होगा, टू ब्लॉक का अल्गोरिदम, थ्री ब्लॉक का अल्गोरिदम, फोर ब्लॉक का अल्गोरिदम, फिफ्थ ब्लॉक का अल्गोरिदम, इन सारे ब्लॉक्स के अल्गोरिदम को क्रैक करते हुए उन्हें जिस ब्लॉक तक पहुंचना होगा, और उसके बाद वो यहाँ पे अल्गोरिदम को चेंज कर सकते हैं, जो भी उसका डॉक्यूमेंट होगा उसको क्रैक कर सकते हैं। लेकिन ये अभी तक पॉसिबल नहीं हो सका क्योंकि ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क है। ओके, जो ब्लॉकचेन है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, लाइक किसी टू किसी आप बोल सकते हो, इसकी एंट्री होती है, ये जो ब्लॉकचेन के अंदर जो जितने भी आप बोल सकते हो कि नोट्स होते, नोट्स का मीनिंग होगा यूजर, आप यहाँ पे यूजर्स को कंसीडर कर सकते हो, ओके, तो उन्हें यहाँ तक एक दूसरे के साथ लिंक किया गया है, लाइक एक यूजर दूसरा यूजर के साथ कनेक्टेड होगा, और उनके पास भी खुद के ब्लॉकचेन होंगे और उसके अंदर इसकी एंट्री यहाँ पे हुई होगी। ओके, इसको हम थोड़ा डेप्थ में देखते हैं। उससे पहले एक आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्ले करता है, लाइक यहाँ पे आप देखोगे कि आपको अगर कोई लीगल लेजर से, ओके, ट्रेडिशनल लेजर से अगर आपको कोई घर लेना है तो आपको एक थर्ड मीडिएटर की जरूरत पड़ती है, और यहाँ पे सिंपल सा एक थर्ड मीडिएटर की जरूरत पड़ती है, तो उसका काम एक आप बोल सकते हो कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू भी हो सकता है। लाइक यहाँ पे देखते हैं जो भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसका काम है एक लीगल डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं जो भी बिटवीन टू पर्सन, लाइक आपको जो भी घर लेना था, ओके, एक तो प्रॉपर्टी लेनी है, ए पर्सन को प्रॉपर्टी लेनी है बी पर्सन से, ओके, तो उसके बीच में एक आप बोल सकते हो थर्ड मीडिएटर, आप दलाल बोल सकते हो उसको, यार ओके कुछ भी, तो वो उसका मीडिएटर को यहाँ से डॉक्यूमेंट के अंदर से कॉन्सेप्ट निकल जाता है, और उन दोनों के बीच यानी कि ए और बीच के बी के बीच एक लीगल डॉक्यूमेंट बनता है, उसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। लाइक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हेल्प टू एक्सचेंज मनी, ओके, जो भी मनी होगा आपको एक्सचेंज करना तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, देन प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। आप शेयर्स एक्सचेंज कर सकते हो, एनीथिंग व्हाट एवर यू वॉन्ट टू डू, ओके, यू कैन इजिली ट्रांजेक्ट योर मनी, बाय एनी प्रॉपर्टी, बाय एनी शेयर, और सेल एनी प्रॉपर्टी, और सेल एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, यू कैन डू इजिली, यू नो नीड टू मिडल मैन, ओके, जो भी रिच का पर्सन होगा उसकी जरूरत नहीं होगी।
स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का यही कॉन्सेप्ट है, और इसी कॉन्सेप्ट के बेस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यहाँ पे वर्क करेगी इसी तरह। ओके, और किसी और इसी इस कॉन्सेप्ट को इसी तरह इस्तेमाल किया जाता है लाइक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू वो डिजिटली एग्जीक्यूट होगा। अगर कोई पर्सन ट्राई करता है कोई भी प्रॉपर्टी सेल करने की या फिर बाय करने की, तो उसके बीच में एक डिजिटल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ऑटोमेटिकली। ओके, ब्लॉकचेन के अंदर बहुत सारे अच्छे एल्गोरिदम्स बने हुए हैं, इसी टेक्नोलॉजी ने क्रिएट की हुई है, ऑटोमेटिकली एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा और उसी को यहाँ पे मीडिएटर रख के दोनों के बीच में एक संधि होगी, यानी कि जो भी ए पर्सन और बी पर्सन के बीच जो भी प्रॉपर्टी लेन देन करनी है, और उसके डॉक्यूमेंट ब्लॉकचेन के अंदर स्टोर होंगे, और जितने भी वो ट्रांजेक्शन करेंगे उतने उनके ब्लॉकचेन में उसकी ट्रांजेक्शन की हिस्ट्री स्टोर होगी। और वो किस तरह होगी वो हम यहाँ पे देखेंगे। ओके, डिस्ट्रीब्यूटेड पीयर टू पीयर नेटवर्क थ्रू। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पर्सन है ये, ए नाम का पर्सन है, और यहाँ पे पर्सन है बी। ओके, तो ब्लॉकचेन एक डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क है जिसकी एंट्री, यानी कि यहाँ पे ए पर्सन ने बी पर्सन के पास से कोई पैसे लिए होंगे या फिर इसका कोई ट्रांजेक्शन किया होगा, तो उसकी एंट्री ए पर्सन के ब्लॉक में तो होगी ही। उसी के साथ जो भी जितने भी लोग ब्लॉकचेन के अंदर कनेक्टेड होंगे उन सबके पास इस खाते की एंट्री, यानी कि ये जो डिटेल यहाँ पे हुआ है, यानी कि ये जो ट्रांजेक्शन हुआ है ए के बीच के, ए और बी के बीच में, वो सारा का सारा ब्रॉडकास्ट हो जाएगा। यानी कि ब्रॉडकास्ट पे डिस्ट्रीब्यूटेड है ब्लॉकचेन, यानी कि ए जो यहाँ पे स्टैंड करता है, बी जो यहाँ पे स्टैंड करेगा, यहाँ पे जो भी होगा सी वो यहाँ पे स्टैंड करेगा, यहाँ पे बी होगा तो यहाँ पे स्टैंड करेगा, यानी कि सारे के सारे, यानी कि छह लोगों का आप ब्लॉकचेन समझ सकते हो यहाँ पे। ओके, और फॉर एग्जांपल छह लोगों का यहाँ पे ब्लॉकचेन है और यहाँ पे सारे के सारे छह पर्सन स्टैंड करते हैं, तो ए ने ट्रांजेक्शन किया बी के साथ, तो उसकी एंट्री ब्रॉडकास्ट होगी और छह लोगों के बीच, यानी कि अभी जितने भी लोग ब्लॉकचेन के अंदर होंगे उन सबके ब्लॉकचेन में उसकी एंट्री होगी कि ए ने बी के पास से पैसे लिए। ओके, देन बी ट्रांजेक्शन करेगा उसी मनी को सी के साथ, तो उसकी एंट्री भी ब्रॉडकास्ट होगी, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटेड पीयर टू पीयर नेटवर्क है। लाइक डिस्ट्रीब्यूटेड पीयर टू पीयर नेटवर्क का मीनिंग होगा कि अगर एक पर्सन दूसरे पर्सन के कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, दूसरा पर्सन तीसरे कंप्यूटर के साथ जुड़ा हुआ है, इसी तरह जितने भी ब्लॉकचेन्स होंगे वो इसी तरह यहाँ पे कनेक्टेड होंगे, एक में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में इसकी एंट्री पड़ती जाएगी, ब्रॉडकास्ट होता जाएगा। ओके, तो यहाँ पे बात उठती है कि अगर किसी पर्सन को, किसी तो पर्सन का आईडी यहाँ पे हैक हो जाता है। ओके, तो अगर किसी को यहाँ पे हैक करना है, इस ट्रांजेक्शन को देखना है, यहाँ पे उसको क्रैक करना है। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे था ई। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो जो भी ई है उसका अकाउंट यहाँ पे हैक हुआ है। फॉर एग्जाम्पल ये जो अकाउंट है वो हैक होने को आया, तो जो भी ब्रॉडकास्ट किया हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लॉकचेन है जिसके अंदर सारी की सारी एंट्री है, तो यहाँ पे जो भी पर्सन है वो इलीगल वर्क करेगा, इलीगल आईडी यहाँ पे बनेगा। ओके, तो जो भी ब्रॉडकास्टेड यहाँ पे पर्सन होंगे, यहाँ पे नोट्स होंगे, जो भी ब्लॉकचेन होंगे, उसका एक एल्गोरिदम इस तरह वर्क करता है कि उसके अंदर का जो भी एक नोड, जो भी करप्टेड होगा, यहाँ पे जो भी ब्लॉक करप्टेड होगा, तो उस ब्लॉक की आईडी यानी कि हैश, प्रीवियस हैश को चेक करेंगे सारे के सारे ब्लॉक वन बाय वन। ओके, और वो वन बाय वन एक कॉन्ट्रैक्ट पास करेंगे, लाइक जो भी ई नाम का ब्लॉक है वो सी के पास पहले चेक करेगा, सॉरी जो भी सी है वो पहले चेक करेगा कि ई करप्टेड है, इसकी आईडी क्या है। ओके, तो वो आईडी कुछ डिफरेंट बताएगा क्योंकि इसकी आईडी अभी करप्टेड हो चुकी है बिकॉज ऑफ दिस करप्टेड पीपल, करप्टेड पर्सन की वजह से। ओके, तो वो यहाँ पे चेक करेगा कि भाई मेरे ब्लॉक के अंदर ई ब्लॉक की आईडी क्या बोल रही है। ओके, तो वो चेक करेगा दूसरे ब्लॉक के साथ, बी ब्लॉक के साथ वो भी चेक करेगा कि ई की आईडी क्या है और रियल आईडी क्या है। ओके, देन सब एक बार चेक करेंगे और एग्री और डिसएग्री का सिनेरियो देखेंगे। ओके, तो अगर ये दोनों ब्लॉक चेक करते हैं यानी सी और ई की आईडी मैच कर जाती है तो वो एग्री कर जाएगा, लेकिन जब बी और ई चेक करेगा कि उनकी आईडी मैच नहीं हो रही, उनकी ब्लॉकचेन के अंदर उसकी जो भी आईडी है वो मैच नहीं हो रही है, जो भी हैश आप बोल सकते हो, तो वो यहाँ पे डिसएग्री करेगा। देन बी वो भी डिसएग्री करेगा, ए वो भी डिसएग्री, यहाँ पे होगा एफ वो भी यहाँ पे डिसएग्री कर देगा।
तो बहुमत कहाँ पे होगा, यानी कि मेजोरिटी कहाँ पे होगी, 20 एग्री पे। तो तभी ये जो ई होगा, ई की जो ई नाम का जो भी ब्लॉक होगा वो ऑटोमेटिकली रिकवर हो जाएगा इसके ब्लॉक चेन के अंदर। यानी कि जो भी पर्सन यहाँ पे उसको इनकरप्ट करने को आया था, जो भी करप्ट करने आया था वो यहाँ पे इनकरप्ट हो जाएगा, यानी कि ऑटोमेटिकली डिक्रिप्ट हो जाएगा। कोई पर्सन अगर हैक करना चाहे तो उसे मेजोरिटी एग्री लेना पड़ेगा, यानी कि जो भी 20 एग्री और एग्री का सिनारियो था मैंने आपको कहा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 6 लोग यहाँ पे ब्लॉकचेन में है। अगर किसी एक पर्सन को इस ब्लॉक को हैक करना हो, यानी कि इस ब्लॉक को हैक करना है, तो उसे मेजोरिटी यहाँ पे 4 ब्लॉक्स को हैक करना पड़ेगा एट अ टाइम, सारे के सारे ब्लॉक्स के अंदर। यानी कि यहाँ से उसको हैक करना है, यहाँ पे उसको हैक करना पड़ेगा, यहाँ पे उसको हैक करना पड़ेगा, यहाँ पे भी। ओके, एक दो छूट जाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि मेजोरिटी बढ़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फिर से किसी ने इस ई को हैक किया है और सारे के सारे जितने भी आप देख सकते हो यहाँ पे 5 ब्लॉक है वो सारे के सारे हैक हो चुके हैं। ओके, एट ए टाइम यहाँ पे, क्योंकि हम 6 ब्लॉक से हम कौन से बता रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इसी वजह से तो 4 ब्लॉक हैक हो चुके हैं। ओके, तो जब सी यहाँ पे कंपेयर करेगा ई की वैल्यू तो यहाँ पे वो एग्री आएगा, बी कंपेयर करेगा तब भी एग्री, डी कंपेयर करेगा तब भी एग्री, और ए कंपेयर करेगा तब भी एग्री। लेकिन जब ए कंपेयर करने को आएगा तब वो डी से एग्री कर देगा, लेकिन यहाँ पे मेजोरिटी किसकी मिलेगी कि भाई हाँ यहाँ पे जो भी आईडी है उसकी वो चेंज हो जाएगी। ओके, यहाँ पे इस तरह उसको हैक किया जा सकता है, लेकिन अभी तक ब्लॉकचेन को हैक करना पॉसिबल नहीं हो चुका है, क्योंकि एट अ टाइम ये एल्गोरिज्म इतना फास्ट वर्क करता है, इतना फास्ट मूव करता है कि अगर किसी ब्लॉक में आप एक बार यहाँ तक इस ब्लॉक तक पहुंच जाते हो तो दूसरे ब्लॉक ऑटोमेटिकली उसके अंदर रिकवर कर लेंगे उसको, यानी कि इसकी जो भी रियल आईडी होगी वो इसे प्रोवाइड कर देंगे। ओके, जस्ट लाइक इसीलिए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड पीयर टू पीयर नेटवर्क का यूज किया जाता है। ओके, तो डिस्ट्रीब्यूटेड पीयर टू पीयर नेटवर्क का यहाँ पे एक एग्जाम्पल यहाँ पे करेंगे। ओके, यहाँ पे आप इसका यूज कर सकते हो। यहाँ पे ब्लॉकचेन इज सिक्योर, और सिक्योर क्यों है वो भी मैंने आपको यहाँ बताया कि आप एक साथ सारी की सारी ब्लॉकचेन को एक साथ हैक नहीं कर सकते, चाहे आप कितना भी हैवी कंप्यूटर यूज कर लो, कितना भी हैवी कोडिंग यूज कर लो, इसका जो भी एल्गोरिज्म इतना पावरफुल बना हुआ है कि ऑटोमेटिकली एक ब्लॉक अगर करप्ट होगा तो ऑटोमेटिकली सारे ब्लॉकचेन के ब्लॉक का एल्गोरिज्म, उसका डिजिटल सिग्नेचर, जो भी उसका आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हो, ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होके उस ब्लॉक को सिक्योर, यानी कि रेस्क्यू कर लेंगे, यानी कि उसकी जो भी रियल आईडी होगी इन सब के अंदर स्टोर की हुई वो ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाएगी इसके अंदर, यानी कि ब्लॉक के अंदर। ओके, देन इसका एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं, जो भी ब्लॉक चेन है www.blockchain.com, जो कि इसकी, यस यस जी सर, हेलो दर्पण सर। हाँ सर, हाँ सर, सर आपका वॉइस बीच बीच में बहुत कट रहा है, हेडफोन्स निकाल हाँ के ट्राई कीजिए प्लीज। सर, मैंने स्पेशल माइक यहाँ पे ट्राई किया हुआ, इसको मैं यूज़ कर रही हूँ। नाउ योर वॉइस इज क्लियर। प्लीज स्पीक लाउडली, लिटिल बिट लाउडली। सर माय वॉइस इज क्लियर ना, थोड़ा नेटवर्क इश्यू होगा यस मेरी। हाँ अभी क्लियर है। ओके ओके, तो मैं कंटिन्यू। यस प्लीज। ओके, तो ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड पीयर टू पीयर नेटवर्क का हम एक एग्जांपल देखेंगे, जो कि ब्लॉकचेन की रियल एक लाइक जो भी आप बोल सकते हो कि रियल वेबसाइट, तो जिसके अंदर आपकी जितने भी ट्रांजेक्शन किए होंगे उनका सारा का सारा एक रिकॉर्ड होगा उसके लिए। ओके, तो यहाँ पे उसको मैं क्लिक करता हूँ, ओपन करूंगा। ओके, तो ये एक साइट है ब्लॉकचेन की खुद की, www.blockchain.com। ओके, यहाँ पे आपको ब्लॉकचेन के सारे कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। लाइक सबसे पहले हम एक्सप्लोर करते हैं बिटकॉइन एक्सप्लोरर को। तो यहाँ पे आप देखोगे कि बिटकॉइन एक करेंसी है। ओके, और इसी के साथ बहुत सारे बिटकॉइन करेंसीज यहाँ पे आप देख सकते हो, इथेरियम है, बिटकॉइन कैश है। ओके, जो भी मेन अभी बिटकॉइन और इथेरियम यहाँ पे जो भी आप
उसके टोकन बोल सकते हो, ब्लॉकचेन बोल सकते हो उसके कॉन्सेप्ट को, ओके तो यहाँ पे हम देखेंगे उसके ट्रांजेक्शन कितने हुए, जो भी लेटेस्ट ट्रांजेक्शन की डिटेल्स हम यहाँ पे देखेंगे, जिस तरह आप डिटेल यहाँ पे देख सकते हो, ओके यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ व्यू ऑल ट्रांजेक्शन, और आप यहाँ पे देखोगे बिटकॉइन के अंदर एक ही टाइम में, यानी कि अब आप देख सकते हो 140 हुआ है, तो यहाँ पे एक ही मिली सेकेंड में, एक ही टाइम में अलग अलग हैश के अंदर एंट्री हो रही है, ऑटोमेटिकली ये स्क्रीन अपडेट हो रही है, ओके आप यहाँ पे देख सकते हो उसको किस तरह ये इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है यहाँ पे, ओके तो यहाँ मैं किसी एक हैश पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ओके और यहाँ पे आप देखोगे इसकी डिटेल्स होगी कि किस हैश ने किस हैश को कितना मनी ट्रांसफर किया, लेकिन यहाँ पे किसी की आइडेंटिटी रिवील नहीं होगी, सिर्फ आप यहाँ पे उसके हैश को देख सकते हो, जो भी यहाँ पे उसका ट्रांजेक्शन हुआ है जिसकी समरी है, ओके उसका जो भी चार्जेस लगा होगा वो यहाँ पे देख सकते हो, यानी कि एक ब्लॉक है यहाँ पे, उस ब्लॉक ने दूसरे ब्लॉक के अंदर अमाउंट ट्रांसफर किया है वो भी आप देख सकते हो कितना अमाउंट ट्रांसफर किया है, यहाँ पे बिटकॉइन होगी बीटीसी, यानी कि बिटकॉइन आप यूएसडी यूएस डॉलर में देखोगे तो इतने डॉलर इस अकाउंट में से इस अकाउंट में आ गए, लेकिन बिटकॉइन आपकी आइडेंटिटी रिवील नहीं करेगा, ओके यहाँ पे पहला ट्रांजेक्शन हुआ उसकी डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हो कि भाई उसका स्टेटस क्या है, अनकन्फर्म स्टेटस है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे कि अनकन्फर्म स्टेटस क्यों है, अगर आप कोई ब्लॉकचेन के अंदर मनी ट्रांसफर करते हो, लाइक फॉर एग्जांपल आप बैंक के थ्रू आप मनी ट्रांसफर करते हो और उसी के साथ मनी ट्रांसफर होने में मिनिमम या फिर मैक्सिमम बोल सकते हो 10 से 15 मिनट तक का टाइम लगेगा, क्योंकि उसका अल्गोरिथम इस तरह है कि वो इंक्रीप्ट डिक्रीप्ट करते हुए या फिर सारे के सारे सेक्शंस चेक करते हुए आपका मनी ट्रांसफर करेंगे, उसी तरह ब्लॉकचेन के अंदर आप अगर मनी ट्रांसफर करते हो तो उस मनी को यहाँ पे इंक्रीप्ट करके डिक्रीप्ट करके डायरेक्टली फर्स्ट यूजर टू सेकेंड यूजर डायरेक्टली ट्रांसफर किया जाएगा विदाउट एनी मीडिएटर, ओके यहाँ पे बैंक का मैं जिक्र नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप अगर रियल लाइफ में देखोगे तो बैंक के थ्रू यानी कि एक मीडिएटर के थ्रू आप मनी ट्रांसफर करते हो, और यहाँ पे जब आप देखोगे कि एक ब्लॉकचेन के थ्रू आप मनी ट्रांसफर करते हो, एक ब्लॉक में से दूसरे ब्लॉक में मनी ट्रांसफर करते हो, तो वहाँ पे कोई मीडिएटर नहीं होगा, लेकिन वहाँ पे एक अल्गोरिदम होगा जो आपके मनी को इंक्रिप्ट करके डिक्रिप्ट करता हुआ वहाँ तक जाएगा, और आपको यहाँ पे मैक्सिमम यानी कि आप देख सकते हो जो भी मनी ट्रांसफर हुआ है उसका स्टेटस अभी अनकन्फर्म है, क्यों अनकन्फर्म है, क्योंकि ये अभी रिसर्च मोड में जो भी अल्गोरिदम है वो उस मनी को इंक्रिप्ट कर रहा होगा, और जब भी ट्रांसफर होगा, जब मनी ट्रांसफर होगा दूसरे अकाउंट में तब उसे डिक्रिप्ट करना है, तो इतना बड़ा अल्गोरिदम है उसका ब्लॉकचेन का, जो भी उसे इंक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने में 8 से 9 घंटे जैसा कुछ लग जाता है, ओके तो इसीलिए यहाँ पे एक बिटकॉइन करेंसी आप यूज कर सकते हो, यानी कि बिटकॉइन को अगर आपको, क्योंकि वो डिजिटल करेंसी है, खुद में एक डिजिटल करेंसी है, डिजिटल चीज को एक दूसरे एक अकाउंट में से दूसरे अकाउंट में आपको ट्रांसफर करना है, तो मैक्सिमम उसमें 15 मिनट ही लगेगा, अगर आप एक पर्सन को समझ लो 2 बिटकॉइन ट्रांसफर करते हो एक पर्सन को दूसरे पर्सन पे, तो उसमें मैक्सिमम 15 मिनट जितना टाइम लगेगा, ओके और वो रकम यानी कि वो बिटकॉइन आपके पास कहाँ से आया तो उसकी डिटेल भी होगी, लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो इनपुट, पहला इनपुट हो गया या दूसरा इनपुट हो गया तीसरा इनपुट, यानी कि जो भी पर्सन है उसका एक पूरा ब्लॉकचेन बनेगा, लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरा एक ब्लॉक बन गया, इंडेक्स 0 है उसकी, उसका हैश एड्रेस आप बता सकते हो यहाँ पे, तो लाइक आपके पास आप अगर ट्रांजेक्शन करते हो लाइक ए को, ए पर्सन बी पर्सन को मनी ट्रांसफर करेगा, लेकिन ए पर्सन के पास वो मनी कहाँ से आया तो उसकी डिटेल पूरी ब्लॉकचेन के अंदर, यानी कि सारा का सारा आपका ट्रांजेक्शन एक ब्रॉडकास्ट होगा, जितने भी पीपल यानी कि जितने भी लोग जितने भी नोड ब्लॉकचेन के अंदर होंगे उन सब का ट्रांजेक्शन डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हो, उसकी सारी की सारी हिस्ट्री डिटेल्स यहाँ पे ब्रॉडकास्ट होगी और सबके पास उसकी डिटेल होगी, लेकिन उसकी आइडेंटिटी यहाँ पे रिवील नहीं की जाएगी, ओके लाइक यहाँ पे जो भी आप देख सकते हो 4 ब्लॉक बने हुए हैं, ओके और यहाँ पे उसका कंटिन्यूएशन आप देख सकते हो, यहाँ पे ट्रांजेक्शन हो चुके 2 ऑन स्पेंड, ओके इसी तरह आप एक्सचेंज एक्सप्लोर कर सकते हो जो भी आप ब्लॉकचेन देखना चाहो, लाइक यहाँ पे मैं फिर से एक हैश पे क्लिक कर देता हूँ,
उस हैश की डिटेल्स मुझे यहाँ पे मिलेगी जो भी उसका हैश एड्रेस होगा यहाँ पे। ओके, जितनी उसके पास टोटल अमाउंट रिसीव होगी, जितनी उसने सेंड की होगी, कितने ट्रांजेक्शन किए हैं, कौन से फॉर्मेट में ट्रांजेक्शन किए, वो सब हो गए। लेकिन उसका ना आईडी रिवील होगा ना कुछ। ब्लॉकचेन आपको सिक्योर रखता है, सिर्फ आपके जो भी हैश है उसी पे सारी की सारी ट्रांजेक्शन और डिटेल्स होंगी, क्योंकि हैश आपका खुद का एक फिंगरप्रिंट होगा ब्लॉक का, उसका आपके ट्रांजेक्शन का एक फिंगरप्रिंट होगा और उसकी डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, यहाँ पे बहुत सारी चीजें यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए आप बहुत सारे उसके एग्जाम्पल्स देख सकते हो। लाइक यहाँ पे जब मैं बिटकॉइन पे क्लिक किया बाई डिफॉल्ट, यहाँ पे इथेरियम पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे जब इथेरियम में जितने भी ट्रांजेक्शन हुए होंगे उनकी डिटेल्स आप देख सकते हो यहाँ पे उसके क्लिक करके। इथेरियम कोड है, यूएस डॉलर में आप देखोगे कि अमाउंट उसने ट्रांसफर किए होंगे। ओके, तो सारी चीजें आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो, डिटेल में देख सकते हो। ओके, देन यहाँ पे जो भी डेटा है उसके प्राइसेस, रियल प्राइसेस आप देख सकते हो यहाँ पे कि बिटकॉइन का प्राइस क्या चल रहा है, यहाँ पे ट्रेंडिंग क्या कर रहा है अभी फिलहाल के लिए आप देख सकते हो। ओके, तो टॉप लेजर्स यानी कि यहाँ पे सबसे ज्यादा प्राइस है बिटकॉइन की, उसके बाद इथेरियम, उसके बाद जितने भी यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, यहाँ पे उसकी प्राइसेस आप देख सकते हो कि यहाँ पे टाइम के साथ आपको सब एक चार्ट दिखाई देगा, एक आवर में, एक डे में, ओके, एक वीक, एक मंथ और एक ईयर। ओके, कितने दिनों में, कितने सालों में, कितना उसका उतार चढ़ाव उसने देखा बिटकॉइन में। ओके, किस तरह उसने इम्प्लीमेंटेशन किया, टॉप 10 आप यहाँ पे देख सकते हो, या फिर सारे के सारे बिटकॉइन का रेट आप देख सकते हो यहाँ पे। ओके, देन आप उसको अगर डेवलपर यानी कि आप अगर बिटकॉइन खुद का बनाना चाहते हो, हाँ, आप यहाँ पे खुद का एक कॉइन बना सकते हो। लाइक जैसे बिटकॉइन बना हुआ है, एक कॉइन है, उसी की तरह यहाँ पे आप खुद का कॉइन भी बना सकते हो यूजिंग दिस API। ओके, उस API को आपको डायरेक्टली यूज कर सकते हो कोई भी लैंग्वेज, पाइथन हो गया, जावा, .NET, रूबी, PHP के अंदर आपको सिंपल एक बिटकॉइन को यहाँ पे यूज करना है। आप डेवलपमेंट मोड में आपके डॉक्यूमेंटेशन भी देख सकते हो। ओके, लेकिन आप अपना खुद का अगर बिटकॉइन बनाना चाहो यानी खुद का एक कॉइन बनाना चाहो, एप्पल कॉइन समझ लो, खुद का नाम का कॉइन बनाना चाहो, तो ये थोड़ा कंफ्यूजन आप यहाँ पे देख सकते हो, थोड़ी देर लगेगी उसको बनने में। क्यों? क्योंकि आपको ट्रस्ट लेना होगा लोगों के पास से, क्योंकि विश्वास होना चाहिए। अगर मैं मार्केट में अभी जाके मेरी अपनी खुद की एक मैं अपना खुद का एक कॉइन बनाता हूँ, लेकिन लोग भी से मेरे कॉइन पे ट्रस्ट नहीं करेंगे। लेकिन सालों पहले जब बिटकॉइन 2008 में आया, इंट्रोड्यूस हुआ, तब लोगों ने इसे डिजिटल सिग्नेचर यानी डिजिटल करेंसी समझ के उसके अंदर एक पैसा इन्वेस्ट करना चालू कर दिया था, उसमें इन्वेस्टमेंट कर दिए थे लोगों ने। इसकी वजह से आज आप देख सकते हो 2020 में कि उसका आज बहुत सारा मार्केट बना हुआ है, बिटकॉइन का ट्रांजेक्शन बहुत सारे हो रहे थे। आप इस वेबसाइट के अंदर उसको पूरा का पूरा एक्सप्लोर कर सकते हो। ओके, तो अभी आप जो कोई कॉइन बनाओगे तो उसमें ट्रस्ट लेने के लिए, लोगों के पास से ट्रस्ट लेने के लिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा, उसमें ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा उसके अंदर, आप देख सकते हो उसमें इम्प्लीमेंट के लिए। लेकिन सालों पहले जब बिटकॉइन बना, उसके बाद से इथेरियम बना, नियो, वेव, अभी आप देखोगे मार्केट में बहुत सारे कॉइन्स है। ओके, लाइक यहाँ पे मैं उसका एग्जाम्पल दूंगा आपको। ओके, तो क्रिप्टो करेंसी, उन्हें जो भी कॉइन्स है उन्हें क्रिप्टो करेंसी कहा जाता है। लाइक क्रिप्टो करेंसी इज एन इंटरनेट बेस्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज विच यूजेस क्रिप्टोग्राफिकल फंक्शंस टू कंडक्ट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। लाइक क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी करेंसी जो इंटरनेट के थ्रू यानी कि डिजिटल करेंसी आप बोल सकते हो, आपके वॉलेट के अंदर वो नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आपके पास कोई क्रिप्टो करेंसी होगी और उसकी मार्केट प्राइस अभी लाखों के अंदर है, मे भी करोड़ों भी जा सकती है थोड़े दिनों में, तो आपके पास एक डिजिटल वॉलेट के अंदर एक आपके पास डिजिटल करेंसी होगी जिससे आप रियल टाइम में एक्सचेंज भी कर सकते हो यूजिंग ब्लॉकचेन। ओके, क्रिप्टो करेंसी लेवरेज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी टू गेन डिसेंट्रलाइज्ड ट्रांसपेरेंसी एंड इम्यूटेबिलिटी। ओके, तो ब्लॉकचेन थ्रू आप उसी करेंसी को यूज कर सकते हो, उसमें
डिसेंट्रलाइज्ड यानी कि जो भी ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन और इम्यूटेबिलिटी यानी कि एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होके आप उसपे ट्रांसपेरेंसी देख सकते हो, उससे चेंजेस भी कर सकते हैं, यानी कि एक डिजिटल मुद्रा अगर डिजिटल करेंसी बोल सकते हो उसको एक, ओके तो डिजिटल करेंसी कौन कौन सी है, तो मेनली यहाँ पे सबसे ज्यादा यूज होने वाली और सबसे पॉपुलर एक तो पहले होगा बिटकॉइन, उसके बाद है दूसरा इथेरियम, तीसरा है वेव, जियो एंड रिपल और मेनी मोर, बहुत सारे हैं, लाइक 100+ आप बोल सकते हो यहाँ पे कॉइन्स है। ओके तो आपको एक साइट विजिट करनी है जिसका नाम है coinmarketcap.com। ओके देखते हैं उसका जो भी एक एग्जाम्पल है तो यहाँ पे हम देखेंगे कौन कौन सी करेंसीज आप यहाँ पे उसके इंप्लीमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे यूज कर सकते हैं, लाइक ओके यहाँ पे सबसे पहले आप देखोगे कि बिटकॉइन उसका मार्केट कैप क्या चल रहा है अभी, ये अभी डॉलर्स के अंदर बिटकॉइन की प्राइसेस है यहाँ पे आप देख सकते हो उसका वॉल्यूम यहाँ पे। ओके देन इथेरियम, टेथर, XRP, बिटकॉइन कैश है उसका जो बिटकॉइन का ही वर्जन है, बिटकॉइन सिल्वर जो भी S3 है, बिटकॉइन कॉइन, बाइनेंस कॉइन, EOC, तेजोस। आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारे कॉइन्स है आपके पास, आप यहाँ पे उसको इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, उसमें प्रॉफिट कमा सकते हो। ओके इसी के साथ जो भी कॉइन्स आते हैं तो उनके साथ यहाँ पे आप देखोगे कि उनके टोकन्स भी होंगे, लाइक मैंने यहाँ पे थोड़ा एग्जांपल दिया है कि बिटकॉइन, इथेरियम, वेव्स, नियो, रिपल और उनके पास अलग अलग टोकन्स होते हैं, लेकिन बिटकॉइन के पास कोई टोकन नहीं है, इथेरियम के पास PRX, AE, REP, SNT, PTT, BNB, MKR, वेव के पास खुद के WCT, B1, WGR, IPL, ये नियो के पास अलग अलग टोकन है, रिपल के पास कोई टोकन नहीं है। ओके तो सोचो देखिए अभी टोकन क्या है, ये टोकन को किस तरह यहाँ पे यूज किया गया, इंप्लीमेंट किया गया। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जिसके शेयर आप खरीदते हो तो आप शेयर होल्डर हो चुके हो उसके। ओके तो कंपनी जो भी प्रॉफिट करेगी उस प्रॉफिट के आप उस जितने शेयर आपके पास होंगे उतने हिस्से के आप प्रॉफिट के आप भागीदार होंगे। तो कंपनी ओके यहाँ पे कंपनी को लॉस ही होगा, एक वन टाइप ऑफ की कोई एक पर्सन 10 से ज्यादा शेयर होल्डर है। ओके फॉर एग्जांपल एक कंपनी एप्पल कंपनी है, ओके यहाँ पे हम एग्जांपल ही लेंगे एप्पल कंपनी है, तो एप्पल कंपनी के 51% के मालिक एप्पल खुद है और जो भी 49% के उसके शेयर होल्डर्स है, लोगों ने उसमें पैसा इन्वेस्ट किया। तो जब एप्पल कंपनी 100% का प्रॉफिट करती है तो उसमें से 49% का हिस्सा उसे पब्लिक में देना पड़ता है, यानी कि उनके जितने भी शेयर होल्डर होंगे उनमें देने पड़ते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे कंपनी खुद के टोकन बना दे, लाइक एक टोकन की प्राइस समझ लीजिए एक शेयर की प्राइस जितनी होगी उतनी एक टोकन की प्राइस होगी, तो जितने भी पर्सन उस कंपनी के टोकन खरीदेंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे उस एप्पल टोकन होगा, ओके उस टोकन को खरीदेंगे तो वो टोकन की प्राइस कहाँ पे जाएगी, कंपनी के अंदर, यानी कि वो पर्सन उसमें इन्वेस्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप जैसे शेयर खरीदते हो उसी तरह एक टोकन खरीदते हो, लेकिन उस टोकन का यूज करके उस कंपनी की यानी कोई भी एप्पल की कोई भी प्रोडक्ट आप एक ले सकते हो। ओके उस टोकन का यूज करके आप उस प्रोडक्ट जो भी कंपनी होगी उसका सिर्फ एक प्रोडक्ट खरीद सकते हो और वो टोकन कंपनी वापस ले लेगी आपके पास। ओके यानी कि आप देख सकते हो यहाँ पे कंपनी को दो तरफ से बहुत ही बेनिफिट हो रहा है, कैसे, क्योंकि वो टोकन भी मार्केट में रखता है और टोकन की प्राइस भी। तो जब कोई पर्सन टोकन खरीदेगा तो ऑटोमेटिकली वो कंपनी के अंदर पैसा रख रहा है, लेकिन कंपनी को उसको कोई भी प्रॉफिट या कुछ भी शेयर करने की जरूरत नहीं होती, वो सिर्फ एक टोकन बेच रहा है और टोकन खरीदने वाले के पास से जब वो कोई चीज उसे बेच देगी तो तब वो टोकन वापस उस कंपनी के पास आ जाएगा, उसी टोकन को वो वापस दूसरे किसी पर्सन को बेच सकता है। इसी तरह एक टोकन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे कॉइन के साथ आया था, यानी कि बिटकॉइन आप पूरा का पूरा नहीं खरीद सकते तो उसका आप टोकन खरीद लो और उस टोकन की अगर प्राइस बढ़ती है तो आप दूसरे किसी पर्सन को बेच के आप खरीद सकते हो, तो उसी टोकन के बेस पर से आप मल्टीपल टोकन खरीद के एक बिटकॉइन भी खरीद सकते हो। इसी के तरह यहाँ पे टोकन का इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पे यूज किया गया है, यानी कि जो भी टोकन यानी कि जो भी कंपनी होगी उसी के बेनिफिट के। ओके इसके साथ ब्लॉकचेन एक
आप बोल सकते हो डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क है, डिसेंट्रलाइज नेटवर्क है, सेंट्रलाइज नेटवर्क है, वो सब क्या होता है? सेंट्रलाइज नेटवर्क की उसके अंदर यानी प्राइवेट बिटकॉइन आप बोल सकते हो, प्राइवेट ब्लॉकचेन बोल सकते हो, ऑल द नोड्स यानी कि यूजर्स कम अ सिंगल ऑथोरिटी, यानी कि एक ऑथेंटिकेशन एक ऑथोरिटी बनती है उसके अंदर नहीं, इतने लोग कम्युनिटी होगी उसकी, वो यहाँ पे ट्रांजेक्शन कर सकेंगे। लेकिन इसके अलावा डिसेंट्रलाइज यानी कि यहाँ पे सबको छूट हो रखी कि सारे के सारे पर्सन उस ऑथोरिटी में आएंगे, उस नेटवर्क में आएंगे, और यहाँ पे जो भी कम्युनिटी के अंदर कोई ऑथोरिटी है ही नहीं, तो सारे के सारे पर्सन जो भी नेटवर्क में वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे। तो उसी तरह यहाँ पे आया डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क, जो भी चीज होगा इंडिपेंडेंट यूजर्स होगा इंटरेक्ट विथ ईच अदर, यानी कि एक दूसरे के साथ ही वो कनेक्ट होंगे। जैसे ब्लॉकचेन के अंदर हमने एग्जांपल देखा था, ए कनेक्टेड विथ बी, ए कनेक्टेड विथ ई, सी, डी, ई, जितने भी ब्लॉकचेन होते वो एक दूसरे के साथ इंडिपेंडेंटली कनेक्टेड होते। ओके, तो इसका यूज क्या है, इसको किस तरह यूज कर सकते हैं? लाइक आप एक पर्सन को दूसरे, ए पर्सन बी पर्सन को मनी ट्रांसफर करते हैं तो मीडिएटर बैंक के थ्रू करता है, लेकिन आप देख सकते हो कि बहुत से बार बैंक का सर्वर डाउन हो जाता है या फिर क्रैश हो जाता है, बहुत से बार ऐसा होता है। तब आप अगर आप ब्लॉकचेन के यूज से यानी कि ए ब्लॉक में से बी ब्लॉक में मनी ट्रांसफर करते हो तो बीच में जो भी मीडिएटर होगा वो एल्गोरिदम होगा तो उसी के थ्रू, या फिर आप मनी ट्रांसफर होगा वो अलग अलग ब्लॉक्स के थ्रू भी हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि आपका ट्रांजेक्शन यहाँ पे रुकेगा नहीं या फिर कोई भी टाइम लेगा ज्यादा। तो डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क इस तरह यूज होगा, डिसेंट्रलाइज यानी कि कोई भी पर्सन के अंदर में यहाँ पे नेटवर्क कनेक्टेड नहीं होगा, और सेंट्रलाइज यानी कि प्राइवेट आप ब्लॉकचेन नेटवर्क भी बोल सकते हो। ओके, आप नेटवर्क्स आपने देखे होंगे तो बहुत सारे सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज की तरह, अगर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो वो ब्लॉकचेन है, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क है, जो पीसी के साथ यानी कि ये जो लैपटॉप है और दूसरे लैपटॉप के साथ कनेक्टेड होगा, और जो भी एंट्री होगी वो इसके अंदर होगी। ओके, नेटवर्क। देन पब्लिक एंड प्राइवेट ब्लॉकचेन क्या होता है, यानी कि पब्लिक नेटवर्क आप ओपन सोर्स, आपने जो भी अभी जो भी साइट देखी blockchain.com, वो एक पब्लिक डोमेन है, इसे पब्लिकली आप उसमें अकाउंट बना सकते हो, उसमें से पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, ले सकते हो, उससे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, यानी कि उसको सिर्फ हैंडल किया जा सकता है। लेकिन जब प्राइवेट यानी कि आपकी खुद का एक, आपका खुद का एक चेन बनाया है आप लोगों ने, उसे हैंडल करने वाला एक मेन पर्सन होता है जो उसको मैनेज करेगा, और वो जिस तरह उसके जो भी पर्सन को अगर एंट्री लेनी हो उस चेन के अंदर, तो उसके अंदर उसे एक परमिशन लेनी होगी, ग्रांट लेनी होगी, इसी तरह पब्लिक और प्राइवेट नेटवर्क यूज होंगे। ओके, देन बेनिफिट्स ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पे कोई भी फ्रॉड नहीं होगा, पहली बात यहाँ पे कोई भी आपके साथ फ्रॉड नहीं हो सकता, और इसकी टेक्नोलॉजी फ्यूचर वीक है, यानी कि बहुत ज्यादा जाके आगे जाके ये टेक्नोलॉजी और भी आगे अलग अलग सेक्शंस में यूज होगी, इम्प्लीमेंट होंगे। उससे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, लाइक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को कैपेबल है इम्प्रूव, अपने कोई भी नेटवर्क को वो इम्प्रूव कर सकता है जिस टेक्नोलॉजी में आप उसको इस्तेमाल करते हो, यूज करते हो, और डिसेंट्रलाइज होने के कारण उसके अंदर सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज को भी मर्ज किया जा सकता है, यानी कि एक बहुत सारा बड़ा एक बनेगा नेटवर्क उसका। ओके, देन ट्रांसफर एरिया, तो आप कोई भी अलग अलग टेक्नोलॉजीज में उसको इस्तेमाल कर सकते हो, यूज कर सकते हो। एक टेक्नोलॉजी लाइक आप कोई भी, आपको कोई भी ट्रांजेक्शन यानी कि ई वॉलेट बनाना हो या फिर गवर्नमेंट के कोई भी डॉक्यूमेंट आपको सेट कराना है, तो आप टेक्नोलॉजी के अंदर उसको यूज कर सकते हो, AR VR के अंदर भी आप यूज कर सकते हो, कोई भी आप सोशल OTT प्लेटफॉर्म है उसके अंदर भी यूज कर सकते हो। देन लॉ एंड क्राइम, यानी कि जो भी गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपको स्टोर कर सकते हो यहाँ पे। ओके, गवर्नमेंट सर्विसेज लाइक दिस। फाइनेंस यानी कि आप कोई भी फाइनेंस का एरिया है उसके अंदर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को इंस्टॉल कर यूज कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे टाइम स्टैम्प लग जाता है ब्लॉकचेन अंदर, कि आप कोई भी डिजिटल सर्टिफिकेट आपने डॉक्यूमेंट बना दिया है तो उस पर टाइम स्टैम्प लग जाएगा कि इस मिली सेकेंड पे, इस टाइम पे, इस ईयर में वो डॉक्यूमेंट बना था। अगर उसमें कोई चेंज करोगे तो जब चेंज होगा तब जाके उसका टाइम स्टैम्प चेंज होगा उसमें। ह्यूमन राइट, ओके, देन एंटरटेनमेंट के लिए, मीडिया में, ट्रांसपोर्टेशन के लिए आप यूज कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट जो भी हमने एग्जांपल देखा कि आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है तो आप इसमें इंप्लीमेंट कर सकते हो।
तो ये हो गए एरियाज, ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क। अगर आपको कोई डेवलपमेंट साइड जाना है, ब्लॉकचेन को डेवलपमेंट करना है, तो हाइपरलेडर है जो भी उसका फ्रेमवर्क है, सपोर्ट बाय लिनक्स फंडामेंटल एंड आईबीएम। देन इथेरियम खुद का एक ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, जिससे वो प्राइवेट ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क को इथेरियम के अंदर आप इम्प्लीमेंट करो, खुद उसके अंदर की जो भी लैंग्वेज होगी वो आपका खुद का एक बिटकॉइन बनाने में हेल्प करेगी। मल्टी चेन ओपन प्लेटफॉर्म फॉर बिल्डिंग ब्लॉकचेन है। देन इरीज इंडस्ट्रीज ओके लो कॉस्ट ब्लॉकचेन इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क के लिए यूज होगा। उसके बाद R3 कोडा ओके वो कोडा इज ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क डिजाइन स्पेसिफिकली BFSI इंडस्ट्री, यानी कि कोई हाई लेवल की ऐसी इंडस्ट्री होती है उसके लिए भी खुद के ब्लॉकचेन होते हैं। मैंने कहा जैसे सेंट्रलाइज नेटवर्क ओके। देन ओपन ब्लॉकचेन, तो ओपन ब्लॉकचेन फैब्रिक कोड फ्रेमवर्क, यानी कि उसके अंदर आप कोई कोडिंग करके ब्लॉकचेन अलग अलग तरीके से आप जैसे बनाना तो बना सकते हो, सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज ओके डिस्ट्रीब्यूटेड इसी तरह ओके। तो ये है उसके मेनली यूज फ्रेमवर्क जो आप यूज करके ब्लॉकचेन को यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो, इम्प्लीमेंट कर सकते हो, और खुद ही सेंट्रलाइज या फिर डिसेंट्रलाइज या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क के थ्रू पब्लिक या प्राइवेट आप ब्लॉकचेन बना सकते हैं। ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी है कि आप किस तरह उसे इम्प्लीमेंट करना चाहो तो आप इम्प्लीमेंट भी कर सकते हो इन फ्रेमवर्क के थ्रू। आप जावा पाइथन का लैंग्वेज को यूज करके भी यहाँ पे ब्लॉकचेन में इस्तेमाल कर सकते हो, यूज कर सकते हो ओके। तो ये थी एक छोटी सी ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप बोल सकते हो इसको ब्लॉकचेन की, क्योंकि यहाँ पे अगर ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट आप देखो तो बहुत लार्ज है, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किए जाते हैं। लाइक जो भी हैश हमारे पास आता है तो वो किस तरह, यानी कि किस तरह ट्रांजेक्शन करता है, उसके भी डिटेल्स होती है ओके। देन क्वेश्चन अबाउट ब्लॉकचेन एंड कुछ भी आप बोल सकते। यस मैम, दर्पण से there are some questions from student side. First question is where is the blockchain store कहाँ पे होता है? Okay, so ma'am, it's a good question. Blockchain एक distributed आप बोल सकते हो distributed technology है okay. तो blockchain के अंदर अगर आप entry करते हो, आप अगर आपकी ये जो system है distributed, यानी एक कंप्यूटर के अंदर वो स्टोर होगा, दूसरे कंप्यूटर अंदर भी स्टोर होगा, यानी कि डिजिटली आपका एक आईडी बनेगा ओके, और उसके अंदर आपका कंप्यूटर लिंक्ड होगा, यानी कि आपका जो भी सिस्टम है वही आपका स्टोरेज होगा ब्लॉकचेन के अंदर, अगर आप डिस्ट्रीब्यूटेड ब्लॉकचेन के अंदर ज्वाइन होते हो तब। या फिर आप किसी प्राइवेट सेक्टर में ब्लॉकचेन के अंदर स्टोर होते तो उनके खुद के जीपीयू होते हैं, स्टोरिंग होते हैं, उसी तरह वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो ओके। Another question is, what is the difference between Ethereum and Bitcoin blockchain? Both are coins. Okay. First of all, both are coins. लेकिन Bitcoin के अंदर और Ethereum के अंदर ज्यादातर कुछ आप देख सकते हो तो कोई डिफ्रेंशिएट नहीं, क्योंकि उनकी सिर्फ प्राइस और रेटिंग ज्यादा होगी। लेकिन यहाँ पे Ethereum एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आया था, जो ये टोकन, और टोकन मैंने आपको जैसे बताया कि एक प्रॉफिट के लिए ही बनाया गया था। अगर आप शेयर करते हो, अगर आप कोई इथेरियम होगा तो उसका भी कोई शेयर होगा, तो आपको अलग अलग जितने लोगों के पास शेयर होगा उसका, तो उसको उसकी अमाउंट या फिर उसका जो भी प्रॉफिट होगा वो शेयर करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप उसके टोकन बना देते हो ओके, ये जो टोकन कॉन्सेप्ट है, टोकन अगर आप बेच देते हो उसको, तो उसका प्रॉफिट भी कंपनी को ही होगा, यानी कि कंपनी अगर 14% के टोकन, यानी कि इथेरियम 14% के टोकन मार्केट में बेच देता है, तब भी उसके पैसे कहाँ पे आने वाले हैं? इथेरियम के पास ही आने वाले ओके। तो ये एक मेजर डिफरेंस आप बता सकते हो कि बोल सकते हो कि बिटकॉइन और इथेरियम के बीच में एक मेजर डिफरेंस हो सकता है। बाकी दोनों एक आप बोल सकते हो कि जितने भी टोकन है, यानी सॉरी जितने भी कॉइन्स है, वो तो सारे के सारे प्रोटोकॉल है, यानी कि एक वन टाइप ऑफ प्रोटोकॉल आप इसमें एक ले सकते हैं, और उस प्रोटोकॉल का टोकन है ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन मैम। सर वन मोर क्वेश्चन इज दैट कैन वी मॉडिफाई द डेटा इन ब्लॉक? यस यू कैन मॉडिफाई डेटा इन ब्लॉक, बट व्हेन यू मॉडिफाई इट ऑटोमेटिकली चेंज इट हैश, यानी कि उसकी जो भी आइडेंटिटी होगी वो चेंज हो जाएगी।
जैसे हमने यहाँ पे देखा था, यहाँ पे सॉरी आपने यहाँ पे देखा था कि जैसे हैश मैं यहाँ पे लिखता हूँ 12, ओके, तो उसका यहाँ पे होगा हैश यहाँ पे बना हुआ होगा, ओके, या फिर मैं यहाँ पे ब्लॉक में बता देता हूँ आपको, यहाँ पे मैंने लिखा है 1, तो यहाँ पे इसका एक हैश ऐड हुआ है और इसको मैं यहाँ पे माइन कर देता हूँ, ओके, और माइन से क्या करेगा कि उसकी जो भी आइडेंटिटी, नई आइडेंटिटी यहाँ पे बना देगा मुझे, ओके, और मैं यहाँ पे उस डेटा को फिर से मॉडिफाइड करता हूँ, ओके, 112 मैंने यहाँ पे लिख दिया और फिर से उसको मैं माइन कर देता हूँ यानी कि ज्वाइन कर देता हूँ, तो यहाँ पे आप देखोगे कि उसकी आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी, ओके, जो भी लिंक्ड होगा वो आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी और डिस्ट्रीब्यूटेड होने के रीजन से जो भी इसमें चेंजेस होंगे वो सारे के सारे ब्रॉडकास्ट होंगे जितने भी ब्लॉकचेन यानी कि जितने भी नेटवर्क यानी कि जितने भी नोड्स यहाँ पे कनेक्टेड होंगे उन सबके ब्लॉकचेन के अंदर उसकी एंट्री होगी और वो सारे के सारे एग्री और डिसएग्री के बेसिस पे उसमें चेंजेस अलाउ और डिसअलाउ करें, तो इस तरह उसको चेंज कर सकते हो आप बेटा। Then next madam, any question next? Hello ma'am, any question? Okay sir, there are no more questions. Okay, I hope my session is more knowledgeable for you. इसमें बहुत अच्छा होगा मेरी इसमें से। थैंक यू शेफाली मैम, थैंक यू ब्रिजेश सर, थैंक यू जिकिशा मैडम कि मुझे आप लोगों ने यहाँ पे एक वेबिनार लेने दिया है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दी आपने, थैंक यू मैडम सर। यस मैम, हेलो, यस मैम, थैंक यू फॉर योर सेशन सर, इट इज वेरी फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड गिविंग सच अमेजिंग इंफॉर्मेशन अबाउट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इट वाज वेरी यूजफुल एंड गुड एक्सपीरियंस विथ ऑल थ्रू आउट द सेशन। ऑल्सो आई वुड लाइक टू थैंक टू अवर प्रिंसिपल प्रोफेसर जतिन वैद्य सर एंड अवर एचओडी पूनम फल्दू मैम फॉर प्रोवाइडिंग एंडलेस सपोर्ट एंड मोटिवेशन फॉर दिस सेशन, थैंक यू दर्पण, थैंक यू, थैंक यू मैडम।